कोरोना महामारी के चलते अभी पूरे देश में लोगों को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। इस कारण लोग अपने बिजली का बिल भी नहीं भर पा रहे। ऐसे में बिजली का बिल माफ करने की मांग को लेकर माकपा के नेतृत्व में सीकर के अजीतगढ़ में और थोई विद्युत कार्यालय पर धरना दिया गया। कॉमरेड ओम प्रकाश यादव ने इस पर बताया कि 6 महीने के बिजली बिल माफ करने और प्रत्येक परिवार को 7,500 रुपए देने की मांग को लेकर बिजली कार्यालय का घेराव किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम एक 7 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया। आज हम थोई ग्रेड पर इसलिए आए हैं कि राजस्थान और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि राजस्थान सरकार से हमारी मांग है कि राजस्थान के तमाम बिजली के उपभोक्ताओं के बिल माफ किए जाएं 6 महीने तक के, और केंद्र सरकार से हमारी मांग है कि नरेगा में 365 दिन काम दिया जाए और न्यूनतम मजदूरी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 400 रुपये हो। साथ में हमारी मांग ये भी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि जो इनकम टैक्स नहीं देता है उन तमाम लोगों के खाते में 7,500 रुपये 3 माह तक सरकार डालने का काम करे, क्योंकि आज जो आर्थिक स्थिति है किसान और मजदूर की वो खराब है